सो हेलो एवरीवन गाइस, सर महादेव, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले? अगले 3 महीने मीन्स जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, ये 3 मंथ्स, जून मंथ हम नहीं ले रहे हैं, ये स्किप कर रहे हैं, बिकॉज ये मंथ की तो रीडिंग हो चुकी है ना, मंथली रीडिंग प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं। सो आप वो चेकआउट कर लो अगर आपको देखनी है तो। वैसे तो 15-16 डेट हो चुके हैं आज, है ना। सो कैसे रहे आपके अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहने वाले हैं? ओके, सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं गाइस। सो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड है फर्स्ट पाइल के लिए, और अगर आपकी जो बर्थ मंथ है वो है फेब्रवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो आपके लिए फर्स्ट पाल। और अगर आप लोग गाइस अप्रिसिएशन कार्ड को पिक करना चाहते हो तो आप सेकंड पाल पिक कर लीजिए। और ऑल्सो यहाँ पे आपके बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो आपके लिए सेकंड पाल। सो दोनों ही पाल्स आपके सामने हैं, इट्स ऑन यू आपको क्या चूज करना है। दोनों ही पाल्स आपके लिए अच्छी होंगी, आई होप सो। सो दोनों ही चेकआउट कर सकते हो आप। एनीवेज गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को फर्स्ट पाल से। उससे पहले गाइस, अगर आप न्यू हो चैनल पे, लाइक करके रीडिंग को सब्सक्राइब कर लो। ओके, क्योंकि आपको वो सब्सक्राइब इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपको जो आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वो कैसे मिलेंगे, आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, क्रिस्टल्स बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को फर्स्ट पाल से। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो। सो फर्स्ट पाल यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन कार्ड, और अगर आपके बर्थ मंथ्स हैं फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो आपके लिए फर्स्ट पाल थी। ओके, सो गाइस आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे? अगले 3 महीने मीन्स आपका जो जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ है। ओके, वैसे तो आपने थंबनेल से रीड कर ही लिया होगा, मैंने वहां लिख ही दिया है ना आपके लिए, बट यस आपको फिर से बताना जरूरी होता है, बिकॉज कई लोग थंबनेल को बस देख के क्लिक कर देते हैं ना। सो एनीवेज, यहाँ पे जो मेन एनर्जीज हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मीन्स वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन कार्ड। सबसे पहली चीज गाइज आपकी लाइफ में क्या होने वाली है? पैसा, अबंडेंस, जो कि आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है फाइनेंशियल। ओके, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो गाइस, आगे बढ़ रहे हो अपनी, आपके बैंक अकाउंट्स इंक्रीज होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यस आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है। ओके, आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है, एंड ऑल्सो आप लोग कोई ना कोई फर बेबी अडॉप्ट कर सकते हो, ये कोई कैट हो सकती है, ये कोई डॉग हो सकता है। ओके, कुछ भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे अडॉप्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग पैरट्स भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट आई थिंक इट्स इलीगल, आई थिंक राइट नाउ, आई थिंक मैंने सुना है कहीं से कि इलीगल है अब इनको पैरट्स को रखना अपने पास, शायद मैंने सुना है, इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी मेरे सामने। एनीवेज, यहाँ पे 42 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 6 नंबर आता है जिसको ऐड करके, सो 6 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। सो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर जून मंथ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ हो सकता है ये। एंड ऑल्सो गाइज, 6 नंबर ये भी शो करता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गाइज, 6 नंबर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे इस मंथ की 24 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 6 मंथ की। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि लव एंड हार्मनी आपको फील करने वाले हो आप लोगों की अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मेन एनर्जीज तो यही है कि फाइनेंशियली आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। सो यहाँ टैरो के थ्रू सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस 3 मंथ्स में, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून की तो गाइस मैंने फुल मंथली रीडिंग्स मैंने डाल रखी हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लिए आया है हैंगमैन कार्ड,
एंड देन आया है आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके जी, ग्रेट, अच्छी एनर्जीज हैं अभी तक तो। आई थिंक हैंग मैन अभी एक दो दिन पहले भी रीडिंग्स में आया था, इसी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ही। यहाँ पे टावर कार्ड है। ओके, यहाँ पे है आपके लिए डेविल कार्ड की एनर्जीज। ओके जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पे। ओके ग्रेट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। सो यहाँ पे दो एसीज आ चुके हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। मिडिल एनर्जीज क्या है आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे ये देखने वाली हूँ, देख रही हूँ कि यस आपके लिए डेस्टिनेड चीजें होने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लाइक आपका लक आपका बहुत साथ देता हुआ दिख रहा है। ओके, आने वाले टाइम में न्यू बिगनिंग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये लव लाइफ में और आपके करियर में हो सकती हैं, या जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो एंड उस चीज़ में आपके लिए ये न्यू बिगनिंग्स देखने को मिलने वाली हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ओवरफ्लो लव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रक एनर्जीज हो सकती हैं गाइज। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेडली टावर मोमेंट आने के भी यहाँ पे चांसेस हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बट यहाँ पे आपके अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, आपके अवेकनिंग होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में लाइक आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, नई शुरुआत आपको देखने को मिलने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, चेंज हो रही है, बहुत अच्छे वे में चेंज हो रही है, ठीक है। डेविल कार्ड है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ओवर पैशनेट आप लोग दिख रहे हो किस चीज़ों के लिए, ठीक है। थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बट इट्स ओके, डोंट वरी। ओके, जुलाई अगस्त सितंबर आपके लिए अच्छा रहेगा फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यस आप डोनेट करिए थोड़ा सा, अगर आपको लगता है ना 100 रुपये आपको मिला है ना किसी चीज़ से, उसमें से 1 या 2 रुपया उसमें से डोनेट कर दो, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, आपके लिए फ्यूचर के लिए ही वो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। बाकी गाइज लाइक इन जनरल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके करियर में न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, नया करियर आप लोग चूज कर सकते हो, न्यू बिगनिंग्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऑफर लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और वो थोड़ी स्लो ऑफर है, बट वो लाइक होता है ना कमिटमेंट वाली ऑफर है, वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आपके लिए, और जो कि आपके लिए अच्छी होगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी, वाओ गाइस आपका लक आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। एंड इसके जस्ट नीचे ही सन कार्ड है, मीन्स इसने यहाँ पे बता दिया है जो भी यहाँ पे चेंज आएगा, जो भी आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है गाइज, ओके, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है, क्लैरिटी लेके आ रहा है। किसी चीज़ में आप अगर स्ट्रक हो वहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा जून जुलाई का महीना फाइनेंशियल नॉर्मल रहने वाला है आपके लिए फाइनेंशियली, बट यस अगस्त मंथ बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सितंबर मंथ स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल सा रहेगा, बट हाफ जो सितंबर मंथ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। बट ओवरऑल स्लोली स्लोली आपको मनी रिसीव होते ही रहेगी, ठीक है, डोंट वरी। एंड यहाँ से क्या एनर्जीज आ रही हैं गाइज ये देख लेते हैं हम, और क्या एनर्जीज आपकी लाइफ में आना चाहती हैं गाइस ये देख लेते हैं हम। ओके, सो आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। न्यू लव आपको मिल सकता है, या फिर लव लाइफ आपकी है, ठीक है, आप किसी के साथ हो लव में, बट यस रिलेशनशिप आपका है, बट यहाँ वहाँ पे क्या होने वाला, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है न्यू लाइफ, एज अ न्यू लाइफ आप फील करने वाले हो इस रिलेशनशिप में, ओके। कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ओके। अगर आपको गाइज रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट रिंग या पेंडेंट लेना है सो आप ले सकते हो मुझसे, ठीक है। सो वो लव लाइफ से रिलेटेड ही होता है। अगर मैरिज ब्रेसलेट लेना है वो भी ले सकते हो, अगर आपको पीस चाहिए, ठीक है, एमेथिस्ट ब्रेसलेट लेना है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है।
मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको नज़र फजर बहुत जल्दी लग जाती है, उसके रिलेटेड बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, सो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है जी। एंड यहाँ पे गाइज आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में, आपकी डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे है आपके लिए क्या, स्ट्रेटजी कार्ड, और वो सेम ही कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। वाओ गाइस, आपका रिलेशनशिप बहुत केयरिंग कनेक्शन बन, उसमें केयर केयर आते हुए दिख रहे हैं, केयर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। सॉरी गाइस, है ना, मैं थोड़ा सा पॉज करके गई थी। एनीवेज यहाँ पे गाइस आपकी लाइफ में केयर आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लव लाइफ ही होने वाली है यहाँ पे, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपकी केयर कर सकता है आने वाले टाइम में, ओके। ये हाँ लव लाइफ भी हो सकती है यहाँ पे, बट ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर या आपके फादर, आपके मामा, आपके ब्रदर, कोई भी यहाँ पे हो, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके स्पाउस हैं, कोई भी हो सकता है ये जो आपको केयर करने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में। अगर आपका थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने का भी मूड होता है ना, मतलब होता है ना कि यस बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। आपकी यहाँ पे लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है गाइस, मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ अच्छे से। एंड यस अगेन वही चीज़, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कहीं से किस कहीं ना कहीं किसी से मिल भी सकते हो आगे आने वाले टाइम में, ओके। ये भी मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे। बाकी गाइज आपके लिए 26 नंबर, 44 नंबर, 49 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ये भी एनर्जीज है कि यस आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं लव लाइफ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपका जो सेकंड चक्र है वो भी इमोशंस स्टेबिलिटी को शो करता है, इमोशंस ऑफ फीलिंग्स को शो करता है। ऑल्सो यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, एंड डेस्टिनी इज डेफिनेटली, ये यही कॉम्बिनेशन बन रहा है लव लाइफ से रिलेटेड ही। ज़्यादा लव लाइफ यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है, इन 3 मंथ्स में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। एंड यस मेरे सामने भगवान कृष्ण और राधा माँ, एक लाइक होता है ना पिंक पे झूठ, पिंक को झूठ रहे हैं, मतलब पंजाबी में उसको यही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या मतलब हो पता होगा, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, है ना, आपको अगर पता है सो वो लाइक वो नहीं होता जिसमें वो बैठ के ऐसे स्विंग स्विंग, है ना, स्विंग कह सकते हैं, हाँ जी, इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता, है ना। सो हिंदी में कुछ वर्ड होगा, है ना, इसके लिए। सो आप हिंदी में जो होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ब्रिगेड गॉडेसेस हैं यहाँ पे, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं। सो मूव बैक टू होलनेस, सो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अपनी होलनेस की तरफ जाने की कोशिश करो, ठीक है, मूव बैक, थोड़ा सा पीछे हटो एंड अपनी होलनेस की तरफ बढ़ो। पहले जैसे थे आप, है ना, बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते थे, अब फिर से वैसे बनने की बारी आ गई है, ठीक है, फिर से वैसे बनने का टाइम आ चुका है, बिकॉज रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। सो आई थिंक आप पावरफुल फील नहीं कर पा रहे थे पास्ट में, बट इस टाइम आपको यही बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत पावर है, आप जितना पावरफुल अपने आप को समझ रहे हो ना, वो पावर गाइज बहुत कम है, उससे भी बहुत अधिक पावर आपके अंदर है, ठीक है, डोंट वरी। पैशन आपकी लाइफ में है गाइज, ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर भी होने वाले हैं, बहुत पैशनेट एनर्जीज यहाँ पे आपके अंदर आने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप डायमंड रिंग परचेज करना चाहते हो गाइज अपने लिए, आई डोंट नो वाई, बट येस मुझे यहाँ पे क्रिस्टल देखा, हर टाइम ये कार्ड आता है बट ऐसा मुझे बहुत कम फील होता है, बट येस कुछ लोग यहाँ पे डायमंड रिंग लेना चाहते हैं या कोई क्रिस्टल रिंग, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स हो सकता है वो, क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट या ऐसे कुछ ब्रेसलेट्स, या फिर जैसे सेलेनाइट होता है। सो यहाँ पे गाइज द ट्रुथ इज बींग रिवील्ड, सो सच आपके सामने आने वाला है, डीप इन साइड्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। सो आपको डीप इनसाइट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एंड यस हॉरस आए हैं, आपको बोलना चाहते हैं कॉस्मिक गेटवे की एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे एनर्जी है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, सो आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं गाइज, ओके। मिरेकुलस चेंजेस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले, मैंने जैसे बताया ही है आपको इन 3 महीनों में। एंड आपके लिए फेथ की एनर्जीज, ह्यूमैनिटी के ऊपर बिलीव करिए गाइज, ओके,
ह्यूमैनिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके आने वाले टाइम में. ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस के ऊपर बिलीव करिए. एंड यस चे काम, शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट करिए कि अपने अंदर जो अच्छाई हैं, अच्छी चीज़ें हैं या दूसरों के अंदर हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए. सी द लाइट इन द वर्ल्ड. सो रोशनी ढूंढना सीखिए दूसरों में भी. ओके, वर्ल्ड में रोशनी ढूंढना सीखिए, अच्छी चीज़ें ढूंढना सीखिए लोगों में. ओके, एंड डिवाइन एल्केमी है. सो होली एमेथिस्ट है, मैंने जैसे बताया है, एमेथिस्ट रिंग, पेंडेंट या ब्रेसलेट जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो. बाकी आपके पास अगर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में आपके लिए. एंड मैंने भी यहाँ पे पर्पल ही नेल पेंट सी लगा रखी है ना. सो यहाँ पे है आपके लिए मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस. सो अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रखे हैं उनसे आप लोग मूव करते हुए दिख रहे हो. फोकस करिए व्हाट यू डिज़ायर. सो जो आपकी इच्छा है उसके ऊपर फोकस करिए. यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है. ओके, विशेज को फुलफिल करने के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको. बाकी गाइस रीडिंग को, इस रीडिंग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना. एंड यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या और एनर्जीज आने नेक्स्ट 3 मंथ्स में. सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना. एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल बाय करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स ट्रम्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो. ओ माय गॉड गाइस, जो मैं रेकमेंड करती हूँ ना, अगर आप वो कर लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. इन रियलिटी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलती मैं, ठीक है. वैसे तो मुझे ये बोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपको ट्रस्ट होगा तभी आप रीडिंग देख रहे हो. बट कुछ लोग होते हैं ना जो, जिनको ट्रस्ट होता भी नहीं फिर भी वो रीडिंग देख रहे होते हैं. बट एमेथिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एमेथिस्ट क्रिस्टल या ब्रेसलेट लेना, एमेथिस्ट प्लस दास्तान. आप एमेथिस्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हो आने वाले टाइम में. एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट ब्रेसलेट, एमेथिस्ट का पेंडेंट रिंग, कुछ भी आप परचेज कर सकते हो मुझसे, ठीक है. उसके बाद गाइज आपकी लाइफ में चेंजेस देखना आप, ठीक है. आपकी लाइफ ही चेंज हो जाने वाली है, मुझे ये फील हो रहा है. जब जागो तभी सवेरा की एनर्जीज आई हैं. जब आपके माइंड को लगेगा ना यस अब मेरी आंखें खुली हैं, तो तभी आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. ओके, तब आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओगे. यस आंसर आया है और यस ये होने ही वाला है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. वाओ, इट्स अ कंग्रेचुलेशन. सो आने वाले टाइम में आपको कंग्रेचुलेशन कोई ना कोई बोल सकता है, आपका कोई ना कोई आपको कोई बोल सकता है, आप किसी को बोलने वाले कंग्रेचुलेशन. एंड टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पे आपको फील होने वाला है आने वाले टाइम में. ओके, सो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रहा है. लास्ट कार्ड आपके लिए डू इट नाउ. सो जो आपको लग रहा है कि यस आपको करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, सो डू इट नाउ गाइस. आपके लिए गाइडेंस है कि अभी करो, आपके लिए वो अभी के लिए यहाँ पे है. एंड 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 प्लस फॉलोअर्स आपके होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में. ओके, आप फेमस हो सकते हो अनएक्सपेक्टेडली. ओके, रीकिंडल कभी कहीं ना कहीं गाइज आपको ये भी बोला जा रहा है, रीकिंडल होने की कोशिश करिए. फिर से वैसे ही बनिए जैसे आप पहले थे, ठीक है. रीकिंडल करिए अपने आप को, लाइक अपने चाइल्डहुड की यादों में खो जाइए, या फिर खोने वाले हो आने वाले टाइम में. बचपन बहुत याद आने वाला है आपको. एनीवेज गाइज अभी के लिए इतना ही. हर हर महादेव, राधे राधे. अगर रीडिंग लाइक कर दोगे तो ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगेगा. एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग देन डेफिनेटली आप लोग करके ही जाओगे. सो अभी के लिए इतना ही, बाय गाइस. सो हेलो एवरीवन गाइस, हर महादेव, राधे राधे. कैसे हो आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे. सो गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ. आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, अगले आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए. ओके, सो मीन्स इस मंथ को हमने छोड़ दिया, बिकॉज इस मंथ के लिए हमने अलग अलग जोडियक साइंस की भी रीडिंग में डाल चुके हैं. एंड ऑल्सो एक डिटेल रीडिंग भी जून मंथ की जा चुकी है. सो दैट्स वाई इस मंथ को मैंने स्किप कर दिया है. एंड जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे अप्रिसिएशन कार्ड, और अगर आपके नेम के, सॉरी, अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो आपके लिए सेकेंड पायल. ओके, सो इट्स ऑन यू गाइज. आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चूज़ किया है या फिर आपने अपने आप पायल को चूज़ किया है, ठीक है. सो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए. सो गाइज यहाँ पे अप्रिसिएशन कार्ड. ओके, सबसे पहले तो गाइज ये 3 महीने
आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको कोई ना कोई अवार्ड मिल सकता है स्टेज पे, आपको स्टेज अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिख रही है मुझे. ओके, एंड ऑल्सो आपको अप्रिशिएट किया जाने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों की तरफ से, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हो वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, आपके कोलीग्स की तरफ से, आपके स्पाउस, आपके लाइक किसी भी पर्सन की तरफ से जो आपको जानते हैं उनकी तरफ से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है. ओके, 15 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. एंड गाइज, आई डोंट नो बट कोइंसिडेंसली 6 नंबर ही यहाँ पे आया है. फर्स्ट पाइल में 4+2 को ऐड करके 6 बन रहा था और यहाँ पे 1+5 को ऐड करके 6 बन रहा है. तो लव एंड हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन तीनों महीनों में आपकी लाइफ में. रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हार्मनी फील होने वाली है आपको. एंड ऑल्सो गाइज, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 6 डेज 6 मंथ्स. ओके, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टाइमिंग. एंड यहाँ पे अप्रिसिएशन दिख रहा है, ये मेन एनर्जीज हैं आपकी. ओके, सो आपके लिए टैरो के थ्रू देख लेते हैं क्या आ रहा है. आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सेकेंड पाल. ओके, सबसे पहला कार्ड गाइज आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है. बाकी गाइज, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो लाइक करके इस रीडिंग को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो, सो दैट आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें. पर्सनल रीडिंग अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग चाहिए देन डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टाइम्स टाइम्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग ऊपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो. ओके, सो यहाँ पे गाइज आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे आपके लास्ट कार्ड आया है फूल कार्ड. ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं गाइज आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए. सो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक गाइज, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मिडिल एनर्जीज हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जीज. ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों से, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें. ठीक है, कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हो, है ना, एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो, मूव ऑन यहाँ पे दिख रहा है. कोई एक रिलेशनशिप पे से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो कि या फिर नई शुरुआत आप कर रहे हो, पास्ट की जो बातें हैं उसको भूल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ठीक है, सो यहाँ एज ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यू कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहे हैं, नए लोग आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, नए रिलेशंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं. ओके, एंड यस, ये दिख रहा है कि यस, बहुत सारे लोगों की तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स यहाँ पे होने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में. आपका बिजनेस भी ग्रो करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अच्छी करना चाहते थे फॉर सम एग्जाम्स, ठीक है, सो यहाँ पे वो भी होता हुआ दिख रहा है आपके लिए. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे. सो ग्रोथ यहाँ पे 100% है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स भी है एंड उसके बाद जस्ट 8 ऑफ कप्स भी है. ठीक है, सो 6, 7, 8 नंबर गाइस सिंक्रोनिसिटी भी है. तो ऑफकोर्स आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज भी आने वाले टाइम में दिख सकती हैं, लाइक कहीं गाड़ी के पीछे नंबर, या फिर कहीं नंबर दिखा हुआ लाइक लिखा हुआ दिखा, या किसी की कॉल आई उसका नंबर में, ये ऐसे सिंक्रोनिसिटी है. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना, सो 6, 7, 8 ऐसे. सो यहाँ पे वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं. सो आप ये रीडिंग अपने लिए उस टाइम क्लेम कर लेना. ओके, सो आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकते हैं फायर साइन के, जो कि बहुत पैशनेट हैं, ओवर पैशनेट ही दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, एंड यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिख रही है कि यस, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो. कुछ लोग यहाँ पे शादी की तरफ जा रहे हैं, किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, बारात अटेंड कर रहे हैं, या आपकी ही शादी हो रही है. ठीक है, या फिर मैरिज फिक्स होने के यहाँ पे चांसेस हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है आपकी लाइफ में. ओके, कोई फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रहे हैं एंड ये पर्सन आपके सोलमेट होने वाले हैं, चाहे इनसे आपकी शादी होने वाली है, चाहे ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, चाहे कुछ भी है यहाँ पे, बट वो आपके सोलमेट हैं. ठीक है, ठीके? आपके साथ कुछ ना कुछ कर्माज उनके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं एंड उनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी. ओके, आपके सामने ऑप्शंस भी आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में. करियर के बीच में ऑप्शन आ सकते हैं, लव लाइफ में ऑप्शंस आ सकती हैं कि किसको चूज करना है, 2-3 ऑप्शंस आ गई, है ना.
सो यहाँ पे आपको उन ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ सकता है कि किसको चूज़ करना है, कौन है आपके लिए बना हुआ। बट यस, आप अपने लव लाइफ में अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। सो यहाँ पे गाइज ऑल्सो एंजल्स प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपके लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है, आपके पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं, ये भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास कि जाऊँ ये नहीं जाऊँ, ये भी हो सकता है। आपके करियर में भी यहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रीडम फील करने वाले हो। इतनी अर्निंग यहाँ पे आपको दिख रही है कि यस, जिसके थ्रू आप फील कर पाओगे आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो अपने लिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंड सो गाइस यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या एनर्जीज होने वाली हैं। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, सो एंग्जाइटी है कहीं ना कहीं, डर है किसी चीज़ का, ठीक है। आपके अंदर ये हो सकता है कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। ओके, एंड यस, यहाँ पे आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है आपके लिए। सो आपके लिए 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर, 13 नंबर, 50 नंबर, 5 नंबर एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे 47 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है विक्ट्री कार्ड, सो 28 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर 10 नंबर। सो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग एंग्जाइटी फील कर रहे हो अपने लिए ना इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या तो आप फॉरन जाने का ट्राई करो, वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये हो सकता है आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो तो गाइज इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सॉरी है ना, जुलाई अगस्त और सितंबर में आपके लिए मनी आते हुए दिख रही है। जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप लोग फील कर रहे हो उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आपको मिल सकती है, आपकी लाइफ में आप लोग कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में किसी वे में। एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अगर इश्यूज़ थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिल सकती है कि वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज ही ख़त्म हो गए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फ़ौरन से आपकी तरफ मनी आते हुए दिख रहे हो, फ़ौरन से आप लोग पैसा अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी वैसे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, मनी में, लाइक पैसा एकदम से बहुत सारा आ रहा है और फिर रुक गया, फिर बहुत सारा आ रहा है फिर रुक गया। सो जब रुका गाइज उस टाइम आपको पेशेंस रखना है, उस टाइम रिलैक्स रहना है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है अपने अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप लोग ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए, इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। ये एंग्जाइटी फील करके कुछ नहीं मिलने वाला है ना आपको। बट यस, आपको न्यू बिगनिंग्स देखने को मिलने वाली है। एंड 13 नंबर एंड 47 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने स्टडीज़ के ऊपर बहुत फोकस करो। अगर आप करियर में अपने देखना चाहते स्टूडेंट हो आप, ठीक है, बट आप ना फिर एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा डर रहे हो, ठीक है, फ़ौरन जाके स्टडी करना चाहते हो, ये भी दिख रहा है मुझे। बट थोड़ा सा आपके अंदर डर है, एंग्जाइटी है, कैसे कर पाऊँगी या कैसे कर पाऊँगा मैं, है ना। बट यहाँ पर हो जाएगा, ओके, सो कैसे ना कैसे करके हो जाएगा सब कुछ। एंड लियो राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिंह राशि के पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं आने वाले टाइम में, ओके। सो ऑल्सो अगर मैं आपके लव लाइफ में देखूँ तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ही फाइनेंशियल इश्यूज के थ्रू गुजर रहे हो। सो ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि यस, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहिए, सब कुछ सही होगा, ओवर थिंकिंग कम करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते हो दिख रहे हो मुझे आप लोग, सो पहले ही मैं आपको बता दूँ ओवर थिंकिंग मत करना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ साइकिल्स कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, रिलैक्स होते हुए दिख रहे हो आप दोनों। बट यस, आफ्टर सम टाइम आपको ज़रूर विक्ट्री देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइज, ये टेम्प्रेरी एनर्जीज हैं, ओके, जस्ट जुलाई अगस्त सितंबर फुल ऐसे नहीं रहने वाले, जस्ट कुछ कुछ टाइम ऐसा आने वाला है जिसमें आपको ये रीडिंग मैच हो सकती है, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जुलाई अगस्त और सितंबर में। सो यहाँ पे कुटुमी क्लॉक ऑफ विजडम, सो आपकी विजडम इंक्रीज होते हुए दिख रही है, आपको कहा जा रहा है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए वो आपको पता है खुद ब खुद, ओके, ट्रस्ट करो व्हाट यू नो, ओके, जो आपको पता है उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो, रिलैक्स रहो,
ओम मंत्रा चैंट करो, मेडिटेशन करोगे। एंड यहाँ पे द शकीना कार्ड आया है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको यही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स के, सेक्रेट सेल्फ क्रिएट करो अपनी, अनलीज योर स्पिरिट, अपनी स्पिरिट को अनलीज करने की कोशिश करो कि एक्सप्रेस करो अपने गिफ्ट्स को, डांस योर सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। सो डांस करिए सेक्रेट रिदम ऑफ द लाइफ के साथ, ओके, एंड पीस क्रिएट करिए अपनी लाइफ में। न्यू मून जो आने वाला है या जो न्यू मून अभी होके हटा है, वो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे काली माँ, ठीक है, काली माँ आपको कहना चाहती है फेसिंग फियर। सो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काली माँ आपको यही शो कर रही है कि कहीं ना कहीं अपने डर से लड़ो, ठीक है। मीट योर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। सो आपके लिए चांस है सोर करने का, आगे बढ़ने का। एंड एल्मोरा आए हैं, अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जीज हैं। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपके लिए प्रोटेक्शन और लव आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपको ये प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। एंड वाइट ईगल की एनर्जीज हैं, सो एंसेस्टर स्पिरिट्स भी आपकी इसमें हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स को गाइस पुकारो या उनकी हेल्प करो, वैसे भी सितंबर मंथ इसमें इंक्लूडेड है और सितंबर में आपको पता है श्राद्ध आते हैं, सो उस वजह से भी एंसेस्टर्स की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। सो इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, कनेक्ट टू योर लीनेज गाइस, ओके। अ फैमिली वाउंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ, सो आपका जो फैमिली वाउंड चला आ रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में चली आ रही है बहुत टाइम से, ऐसा पैटर्न हो सकता है कोई, है ना, जो चला आ रहा है, सो वो यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। आपकी फैमिली में कोई ऐसी इशू हो सकता है जो चला ही आ रहा है, सो यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है, ओके वो। एंड काली माँ यहाँ पे यही ना आपको शो कर रही है कि यस, आपकी लाइफ में आपकी इंट्यूशन हाई होते हुए दिख रही है। आप काली माँ के भक्त भी हो सकते हो गाइज, ओके। यस, आपको फेस करने के लिए भी बोला जा रहा है, अपने डर को फेस करना सीखो, ओके। आप किस चीज़ से डरते हो उसको फेस करना सीखो। सो यहाँ से देख लेते हो क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, सो क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए, क्या आ रहा है नेक्स्ट सिक्स थ्री मंथ्स में, सिक्स मंथ्स बोल रही हूँ, आई डोंट नो। सो आपके लिए आई थिंक ये सिक्स मंथ्स की भी एनर्जीज हो सकती हैं। किसी चीज़ से आप डर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, बट यस डर है। सो डू इट नाउ गाइज, आपके लिए एनर्जीज आ रही है, डू इट नाउ। कुछ भी आप करना चाहते हो अभी कर लो, आपको ये कहा जा रहा है डू इट नाउ। जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचो कि ये करना चाहिए नहीं, सो कर दो उसी टाइम, ठीक है। सो आपके लिए यही गाइडेंस है। सो सेल्फ ट्रुथ की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं सच सामने आता हुआ दिख रहा है ना। सेल्फ ट्रुथ, आपकी सच्चाई, आप सच बोलो गाइस, हर जगह आपको कहा जा रहा है आप कितने सच्चे हो यहाँ पे, ये आपकी आई थिंक परीक्षा ले सकते हैं यूनिवर्स। एंड फिनिक्स की एनर्जीज हैं, सो फिनिक्स आपको यही शो करता है न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ को, कि चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जिंदगी में आपके। एंड रे ऑफ होप की एनर्जीज हैं, सो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई होप की नज़र, मतलब सॉरी, रे ऑफ होप मिलते हुए दिख रही है किसी ना किसी जगह से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत यहाँ पे ऐसे किसी ना किसी वे में आपके हो सकती है, किसी लव लाइफ में, या आपको कोई डर था वो डर ही आपके अंदर से ख़त्म हो गया है ना। सो आपकी पावर भी इंक्रीज होते हुए दिख रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल भी बनते हुए दिख रहे हो गाइज, ओके। आपके अंदर पावर आते हुए दिख रही है, कोई ना कोई आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है कहीं ना कहीं, ओके। यस, आपका जैसे थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, सो ऑफकोर्स आपकी पावर ही इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ओके। सो कंप्लीशन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आया है, सो बर्थडे गिफ्ट्स गाइस। ऐसा हो सकता है कि आपने एक और साल अपना कंप्लीट कर लिया है, आपका बर्थडे आ रहा है आने वाले टाइम में, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गाइस सेकंड पाल। सो बर्थडे गिफ्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, ओके। एंड फर बेबी अडॉप्ट कर सकते हो गाइस, आई थिंक मैंने फर्स्ट पाल में फर बेबी की बात की थी, तो शायद आपको फर्स्ट पाल भी देखनी चाहिए, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है उस पाल में, बिकॉज यहाँ पे 6-6 नंबर दोनों ही पायल में कोइंसिडेंसली आया है, सो शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। सो फर बेबी अडॉप्ट कर सकते हो आप लोग कहीं ना कहीं अपने लिए, ठीक है, कोई न्यू डॉग न्यू कैट अपने लिए लेकर आ सकते हो आप लोग। एनीवेज गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, सो लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सेट कर देना। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
टाइम्स शाम्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, राधे राधे, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय गाइस।